सामान्यतः देखा यह गया है कि जब बच्चे नर्सरी या प्रेप में होते हैं तो माताएं उन्हें ABCD वगैरह पढ़ाती हैं, लेकिन जो ही बच्चा क्लास वन वगैरह में आता है तो हम ट्यूशन या कोचिंग की तलाश शुरू कर देते हैं। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर बैग लेके फिर ट्यूशन चला गया, फिर वहां से आता है और बच्चा सो जाता है। यानी बच्चे को पता ही नहीं चला कि माँ बाप का सानिध्य क्या होता है, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो। और जो रही सही कसर है वो कुछ सो कार्ड बड़े स्कूल निकाल दे रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन आपको ये भेज दिया ये भेज दिया ये भेज दिया, ये करा के रखा। देखिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको फॉलो करने से सबका भला होगा। पहली बात तो ये है कि फोर्थ फिफ्थ तक पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को खुद पढ़ाएं। अगर कोई बहुत बड़ी अगर निरक्षर नहीं है या आप हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं जॉब में है, आपका टाइम नहीं है, तो चौथी पांचवी तक ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बच्चे को गाइड नहीं कर सकते हैं। अरे जब बच्चा को समझ में आएगा तो आपको नहीं आ सकता है, मतलब पढ़िए और पढ़ाइए, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि स्कूलों को अकाउंटेबल बनाइए। भाई बच्चे का टाइम टेबल आप देख सकते हैं, कॉपी किताब टाइम टेबल के अनुसार भेज सकते हैं, बच्चा लौट के आता है तो चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे ने क्या लिखा है, क्या किया है, टिक किया गया है कि नहीं किया गया है। हाँ ये जरूर स्कूलों द्वारा, मोस्टली स्कूल द्वारा कहा जाता है आपका बच्चा बहुत कमजोर है, ये नहीं करता है, क्लास में कुछ करता नहीं है, तो आपको जरूर बड़े प्रेम भाव से कहना चाहिए कि भाई बच्चा कुछ नहीं करता तो इसलिए मैंने आपको भेजा, अगर सब कुछ कर रहे हो तो आपके हम क्यों भेजते। यानी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि बच्चा क्लास वन या टू में आते आते कुछ कुछ स्कूल लंबे लंबे सेंटेंस देने शुरू कर देंगे, ये भी करा देंगे ये भी करा देंगे ये भी करा देंगे। अगर अधिकांशतः बच्चों को दिक्कत हो रही है तो आजकल तो ऑनलाइन आपस में सब जुड़ सकते हैं, जाकर के स्कूलों से स्कूल अथॉरिटीज से इसके बारे में बात करिए कि भाई अपनी स्टाइल बदलिए। अगर एक व्यक्ति जाएगा तो नक्कार खाने में तूती बोलने वाली बात होगी, लेकिन जब 80-90% लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये जाके बोलेंगे तो कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो आपकी बात नहीं सुनेगा और अपने आप में सुधार नहीं लाएगा। सच तो ये है कि आपका स्कूलों के साथ कंपटीशन नहीं है, बल्कि आप दोनों स्कूल प्लस पेरेंट्स ये दोनों चाहते हैं कि बच्चा का हम बेस्ट ले सकें और बच्चे को बेस्ट दे सकें। तो पेरेंट्स को एक और फायदा है, अगर अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठते हैं तो उनका क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ होता है। बच्चे के बैठने का तरीका, बच्चे का आपको सानिध्य और बच्चे का सानिध्य आपको। देखिए बच्चे से जितनी दूरी आप बनाते जाएंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चा भी आपसे दूरी बना लेगा, आपने बच्चे को समय नहीं दिया, बच्चा आपको समय नहीं देगा। इसलिए बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, स्कूलों को अकाउंटेबल बनाइए, एक एक चीज को फॉलोअप करिए, बच्चे की मेंटरिंग करिए, मॉनिटरिंग करिए, अगर जरूरत पड़ती उसको कोच करिए, ट्यूशन करिए, लेकिन खुद करिए। बच्चे को सेल्फ स्टडी करने दीजिए, अपने से कुछ करने दीजिए, आप देखिए बच्चा अपने आप अच्छा करना शुरू कर देगा। लेकिन यदि आपने अपनी पूरी पूरी जिम्मेवारी दूसरे के हाथ में सौंप दिया तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच की इंटरनल बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, जो न तो आपके लिए ठीक है और न बच्चे के लिए शुभ है। इसलिए पढ़िए और पढ़ाइए, बच्चे का ध्यान रखिए, बच्चे को अधिक से अधिक समय दीजिए, सुख सुविधा तो दे ही रहे हैं, स्कूलों को अकाउंटेबल बनाइए और बच्चे के एक स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में सहभागी बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बच्चे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना।